और ये हम पहुंच गए हैं बैम्बू 2145 मीटर्स। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल द नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट। नाउ यू आर इन बैम्बू। हेयर आर सिक्स लॉजेस: बुद्धा गेस्ट हाउस, बैम्बू गेस्ट हाउस, बैम्बू लॉन्च, ट्रैकिंग गेस्ट हाउस, ग्रीन व्यू गेस्ट हाउस। बट हम यहाँ पे कहीं नहीं रुकेंगे, हम आगे चलने का सोच रहे हैं एक्चुअली। और सीन कुछ ऐसे है, सो लेट्स गो अहेड। उन दीदी ने बताया था कि 2 घंटे लगेंगे, बट अभी टाइम क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ आपको, 5:15। हम 4 बजे चले थे, उन्होंने बोला 2 घंटे लगेंगे, उस 5:30 होने वाले। हमने थोड़ी स्पीड रखी तो अभी 5:15, 5:20 ऐसे हो रहा है। वी आर स्टिल यंग। तो गाइज ये मैप है बैम्बू, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बस गिने चुने 4-5 वो हैं टी हाउसेज हैं, और हम हैं अभी इस वक्त वेयर इज बैम्बू। यू आर हेयर, हम यहाँ पर है, यहाँ यू आर हेयर। और हम नेक्स्ट दोवन, क्या ये दोवन है? दोवन जाने की सोच रहे हैं, जो कि यहाँ से, यार ये मिटा क्यों रखा है यार, क्लियर भी नहीं है ये। बैम्बू टू दोवन 1.5 घंटे भाई, पकड़ लो, कट लो। चलो 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 चलो। हम यहाँ पे रुकने का प्लान था क्योंकि अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले 15 से आधे घंटे के अंदर अंधेरा हो जाएगा और जंगल के रास्ते जाना है। बट आई वॉन्ट टेक दिस रिस्क, यू नो आई लव एडवेंचर। ओह, तो हम बस निकल गए हैं, मेरे को नहीं रुकना यहाँ। अब हम जाएंगे रात को घने जंगल के अंदर। और ये बैम्बूज का लास्ट लॉज है, इको फ्रेंडली। इसको पार कर गए तो नो टर्निंग बैक। और अभी मन दुविधा में है, मतलब दुविधा वैसी वाली दुविधा नहीं, मतलब 50-50 डाइसी सिचुएशन में, कि रुक जाएं कि चल लें। क्यों सर? यस, तो मेरे को लगता है, व्हाट डू यू वांट? यार रुकना भी चाहते हैं पर लेकिन चलना भी चाहते हैं। चलेंगे तो हमारा कल का 1.5-2 घंटा बच जाएगा, या फिर हम और आगे जल्दी। लेट्स गो ब्रो, वी डोंट टॉक दैट मच, लेट्स जस्ट कवर द डिस्टेंस अप। और गाइज हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, ठीक 5:30 बजे हम निकल चुके हैं बैम्बू से। जैसा कि दी ने कहा था कि 2 घंटे लगेंगे, बट हमें 2 घंटे नहीं लगे, 1.5 घंटे लगा। मैं तो और तेज़ पहुंच जाता अगर ये मेरे साथ साथ चलता। बट ठीक है, अब हम ये फिर रह गया कहीं। ओ भाई बहुत दूर है वो, अरे यार चलो खैर एनीवे। तो वाव, इट्स ब्यूटीफुल। हम और डिस्टेंस कवर करने की सोच रहे हैं ताकि हमें कल ज़्यादा लेट ना हो। और यहाँ से निकले हम ठीक 5:30 बजे, अब देखते हैं कि कितने बजे हम वहाँ पहुँचते हैं। आइडियली तो फिर से 2 घंटे का रास्ता बताया हुआ है, बट लेट्स सी। हाँ, जंगल, घना जंगल, घना 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 जंगल। पेड़ देखो सर, आगे आ गया हूँ। और वो तो पता नहीं कहाँ ही छूट चुका है, क्योंकि मैं उसको बहुत बारी बोल चुका हूँ। वो कह रहा है साहिल भाई आप जाओ ना कोई दिक्कत नहीं। तो इस बारी मैंने सोच लिया है मैं नॉन स्टॉप चलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने टाइम रिकॉर्ड कर रखा है। 5:30 बजे बैम्बू से निकला था और मैं रुकने नहीं वाला किसी के लिए फिलहाल, बिकॉज आई वॉन्ट टू नोटिस के हाउ मच स्ट्रेंथ आई हैव गॉट। सो आई एम जस्ट कीप, आई एम गोना कीप वॉकिंग। मैं बस चलते जाने वाला हूँ इस बारी, नो स्टॉपेज एट ऑल, क्योंकि 5:30 बजे शुरू करे तो बस अब धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है। और 1.5 घंटा लिखा है वहाँ पे, 1.5 से 2 घंटे का ट्रैक है। सो आई वांट टू सी कि मैं अंधेरा होने से पहले कितना कवर अप कर सकता हूँ। ओके बाय। वाह, चलते चलते देखो कहाँ आ गए। कितना साफ पानी है, कैन यू गाइस सी?
कितना साफ पानी है। अभी अभी रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले, दो लड़के जो बैम्बू की तरफ जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा दोपहर कितनी देर, उन्होंने बोला 10 मिनट यहाँ से। एंड आई वाज लाइक व्हाट, एम आई रियली अ सुपरमैन? नहीं हो भी सकता क्योंकि मैं रुका नहीं हूँ, मैंने जैसा आपको बताया था। और यहाँ से 10 मिनट का सुन के तो और ज़्यादा पावर आ गई है। तो अभी भागो भागो, रुकना ही नहीं है मेरे को। पावर देख रहे हो कितनी आ गई है, 10 मिनट दूर ये बैम्बू मेरा टूट चुका, मेरा लाठी सहारा आधा हो गया। गीला रास्ता पड़ा पूरा का पूरा, बहुत बुरी बारिश हुई है यहाँ पर, पूरा रास्ता गीला पड़ा हुआ है। बहुत तेज भी जा रहा हूँ और काफ़ी संभल के भी जा रहा हूँ, आफ्टर ऑल ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस है यार, तो इतना तो होना चाहिए। हाउ फार इज दोवन फ्रॉम हियर? ट्वेंटी मिनट्स। ओके, पहले वाला भाई बोला 10, अभी ये बोल रहा 20। कोई नहीं, दिलासा तो दे गया वो भाई कम से कम। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, लुक एट दैट, व्हाट आई सी। कैन यू शो यू फ्रॉम क्लोज अप? ओ माई गॉश, यस यस, ओ आई रीच्ड द, आई सी बिल्डिंग्स। और ये है हमारा आज रात का स्टॉप, ओ 2505 meters। हम वहाँ से ठीक 5:30 बजे चले थे, एंड जस्ट सी मैं 6:21 पर पहुँच भी गया गाइज। डूड, मुझे 1 घंटा भी नहीं लगा यहाँ पहुँचने में, और वहाँ पे ट्रैक और गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है नेपाल टूरिज्म वालों ने कि 1.5 घंटा लगता है। नाउ डू यू सी द पावर ऑफ माई ट्रैकिंग? अब यहाँ बैठ के चिल मारेंगे, अब तो पावर वापस है। सो दोवन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। We are here. भाई साहब 500 मीटर एलिवेट कर लिया, ऑलमोस्ट 400 मीटर, 300 मीटर एलिवेट कर लिया, और वेरी नाइस। यहाँ आज यहाँ रात रुकेंगे, और कल तो ये सब पार करके नज़ारे आ जाएंगे। वो अब पहुंचे हैं जाके लेट लतीफ, बताओ। हमने यहाँ विश्राम भी कर लिया, और बैटरी नहीं है तो इसलिए जल्दी बोलूंगा, और यहाँ पे लोग चार्जिंग के भी पैसे लेते हैं। खैर आज हमें यहाँ पर, आज यहाँ पे हमारी बत्ती गुल होने वाली है। अब मेरे को भी कुछ बोलना है, ये चार्जिंग के तो पैसे लेते हैं, वाईफाई के भी लेते हैं, और कल हमको हॉट शावर के पैसे भी देने, 250 रुपीज पर शावर। माई गॉड, यहाँ पे कभी मत आना भाइयों। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को सोते हुए इतनी ठंड में भी मुझे इतने पसीने आ रहे थे कि मैं प्रॉपरली सो नहीं पाया, बट अब मैं उठ गया हूँ, और हमारा नाश्ता आ गया है, जो कि अभी तक का जीवन का सबसे महंगा नाश्ता है हमारा। बट थैंकफुली मुझे लग रहा है इसमें पेट भर जाएगा। सिड खा रहे हैं आज,
टोस्ट एंड ऑमलेट, और मैं खा रहा हूँ विद सैंडविच, चिप्स विद सम मिल्क टी, एंड सिड हैज अ ब्लैक टी. इज दैट अ ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी? गुड मॉर्निंग सिड. गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू फीलिंग? गुड. दिस मॉर्निंग बॉडी कहीं कहीं पेन हो रही है, बाकी से काफ में दर्द है तेरे भी? यस यस गाइस, इवन आई हैव अ पेन इन माय काफ. ओ कल रात को बता, कल रात को मेरे साथ क्या हुआ? He was suffering from a newly found phenomena. Phenomena? भाई मैं सो रहा हूँ और पसीना पसीना पूरी बॉडी पे, अपर बॉडी पे इतना पसीना. इसने टॉर्च मारी, कैसे चमक रहा है इसे? मुझे आपको रात को रिटर्न को सुबह कब मतलब सुबह पसीने आ रहे थे तेरे को भी, क्योंकि कवर अप होके सोए हुए थे ना मच्छर. यार इतना पसीना आया ना सोते हुए, जबकि यहाँ ठंड है, हम हिमालयाज में और यहाँ ठंडा रजाई रखी हुई अंदर, और इतना पसीना क्या बताऊँ. एनीवे हमारा खाना ठंडा हो रहा है. I'm gonna go and eat some and I'll catch you later. Bye. सुबह सुबह जैसे मैं नहाने गया, मैंने अपने सारे कपड़े भी धो दिए ताकि मेरे पास फ्रेश क्लोथ्स रहे. जैसे मुझे मौका मिलता मैं अपने सारे कपड़े धो देता हूँ, by the way, while traveling. Hello guys. सिड और मैं अभी हैं दोवन में और हम यहाँ से अपना नेक्स्ट स्टॉप के लिए स्टार्ट करने वाले हैं. सिड, ओवर टू यू. टेल अस एक्सपीरियंस अबाउट यू बीइंग हियर इन दोवन सिंस यस्टरडे. सो वी जस्ट लिटिल लाउड सो दैट इट कैप्चर्स. सो वी रीच दोवन लास्ट इवनिंग एट अराउंड 6:30, 6:15, और उसके बाद हमने यहाँ पे दोवन गेस्ट हाउस में वी टुक अ रूम, और उसके बाद तो कहानियाँ ही कहानियाँ हैं. वो आपको शॉर्ट क्लिप्स में दिखाई जाएंगी. एक लाइक साहिल भाई को कुछ अलग टाइप की जो हमने आज तक नहीं देखा, वैसी चीज़ कोई फिनोमेना हो रहा था. बॉडी ठंडी पड़ी बट ही वॉज स्वेटिंग अलॉट. एंड ओ उससे पहले ही वॉज फोर्स टू ईट फूड. यस अरे मेरे को भी जबरदस्ती फोर्स करा जा रहा था, और मैं ऐसा हो रहा था कि अगर मैंने खाया तो मैं उल्टी कर देगा. आई मीन यहाँ पे लोग ना फोर्स कर रहे हैं कि आपको खाना खाना पड़ेगा, अगर आप नहीं खाओगे तो आपके कमरे का जो टैरिफ है वो डबल कर देंगे. दोवन में, ओनली इन दोवन अभी तक एक्सपीरियंस हमने ऐसा करा. और कह रहे थे अगर, और हाँ अगर एक प्लेट लोगे तो एक ही बंदा खा सकता है, वो भी उनके सामने बैठ के खाना होगा ताकि आप लोग शेयर ना कर सको. कहीं तो आपको अनलिमिटेड थाली मिल रही है तो यू कांट शेयर, तो वैसा वाला सिस्टम यहाँ पे यूज़ हो रहा था. लेकिन उनको समझना चाहिए कोई इंसान 20-30 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर जितना भी ट्रैक करके आ रहा है, एलिवेशन इतना हाइट पे आ रहा है, तो यार थोड़ा तो मतलब आपको एडजस्ट एडजस्ट करना चाहिए ना यार. अगर मैं यहाँ क्या मर जाता, मेरे पास पैसे नहीं होते खाने के, एग्जैक्टली तो क्या होता, फिर क्या करते. आई मीन दैट्स द होल पॉइंट एंड दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग. अभी तो आपको बताया नहीं, यहाँ पे अगर आपको नहाना है ना तो आपको उसके भी पैसे देने पड़ेंगे. सिर्फ कमरे लेने से बात नहीं चलेगी, कमरे के पैसे अलग हैं, नहाने के पैसे अलग हैं, खाने के पैसे अलग हैं, रिचार्ज करने, लाइक अगर आपको कोई अपना कोई भी एक डिवाइस चार्ज करना है, चाहे वो फ़ोन चार्ज करना हो या कैमरा चार्ज करना हो या व्हाटएवर डिवाइस यू वांट टू चार्ज, दे विल चार्ज यू 250 रुपीस पर डिवाइस. अच्छा तो अभी हम इसको थोड़े क्रिप कर रहे हैं, वैसे भी हम बताते हैं तो आप एक इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स की तरह बताते हैं. तो व्हेन यू रीच, व्हेन यू आर ऑन द अन्नपूर्णा ट्रैक, तो आपको यहाँ पे यू नीड टू पे फॉर वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी और फूड, बेड, हॉट वाटर, शावर, लाइक एनीथिंग 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 यू यूज, जिस चीज का पैसा बना सकते हो आप बनाओगे, जिस चीज का, पानी तक का. अगर आपको अपनी बॉटल, अभी तो पानी का तो पता, पानी का रेट बताता हूँ. बिस्लेरी इज चीपर, बिस्लेरी आती है आपकी 20 रुपए लीटर, और यहाँ पे बॉइल्ड पानी मिलता है 200 रुपए. अभी हम और ऊपर जाएंगे तो अभी तो और हाई होता जाएगा. और आज सुबह हमने ब्रेकफास्ट करा, शायद से मैंने आप लोगों को दिया 800 रुपीज, इसका 800 रुपीज मेरा, 1600 का सिर्फ ब्रेकफास्ट. यार रिच ब्रैट, यार रिच ब्रो. ताजवाज ऊपर क्यों नहीं जाते आप? एग्जैक्टली ये ताज से कम है यार, बट यार नहीं. ओ अच्छा, वो जो पर इन्होंने आपको जो थाली खाई थी उसमें देयर वाज अ कैच. हाँ यू कांट शेयर बट यू कैन हैव अनलिमिटेड. हाँ अगर एक बंदा खा रहा है तो आप 2-3 बारी वो आपको सर्व कर देंगे, जब तक आपकी एक बंदे की भूख की संतुष्टि नहीं हो जाती, इन शॉर्ट. यस सो दैट इज दैट अब तक का ऐसा सफर रहा. और आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ चुपके से, मैंने चुपके से सुबह भी नहा लिया, किसी को दिखा नहीं, किसी को पता नहीं चला, चुपके चुपके. और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं. सो आई सी यू एट द नेक्स्ट स्टॉप.
और मैं ज़्यादा फुटेजेस नहीं ले पाऊँगा बिकॉज चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं है, और अब मैं आपको मेन मेन चीज़ें दिखाऊँगा। सो आई सी यू, गुड बाय, सायोनारा। तो अभी मैंने एक पेमेंट करी है और वो मेरी लाइफ की सबसे फर्स्ट टाइम ऐसी पेमेंट है कि मैंने कुछ करा ही नहीं है एंड आई एम पेइंग फॉर दैट थिंग $300 फॉर नॉट हैविंग डिनर लास्ट नाइट। इससे बढ़िया खा ही लेता तो खा के भी क्या करता, फिर निकाल देता ना। अभी वाईफाई ले लेते 250 का। डोंट हैव मनी देन यस यू स्टे फॉर फ्री एंड यस फूड फॉर फ्री स्टे फॉर फ्री। नहीं, बिना गाड़ी वाली जगह में भी, बिना गाड़ी वाली जगह में भी तो कुछ भी नहीं है। आप प्लीज आओ कभी हमें हॉस्पिटैलिटी दिखाने का। नहीं नहीं, चेक इट, विल हैव, विल ड्रिंक इट, विल ड्रिंक इट। पानी पियो ना। नहीं नहीं दाई, ठीक है, इट्स फाइन। मुझे लग रहा है वो टैप वाटर पी के ही मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे जो अभी हो रहा था ना, जो तक बोल रहा था वो ही पी करके हुआ मुझे। कोई यहाँ से बढ़े नहीं सोर्स। इधर तो टैप वाटर मत पियो भाई। क्यों नहीं टैप वाटर मत पियो, इधर तो बहुत बहुत बुखार हो रहा है। देखा, मैंने कहा था से, मैंने जब जैसे ही वो पानी पियो ना उसके बाद मुझे लगा अभी तो इधर इधर का पानी बोलिंग करो और फिल्टर पियो, क्योंकि वो बुखार होता है ना, अभी नहीं होता है पीछे वो आपका। यही वो बंदा है जिसने हमसे बेफजूल के पैसे लिए हैं। हो गया है, डन। अच्छा, सिर्फ तेरा एक सैचल वहाँ पड़ा हुआ है, वो पूरे बैग में पड़ा है। हाँ, इट्स 12:07, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर फ्रॉम दोवन, 12:07 पे। अब मैं आपको अगला टाइम बताऊंगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं और कितने बजे पहुँचे हैं। नेक्स्ट स्टॉप हमारा हिमालय है, जो कि आइडली यहाँ से हिमालय एक दोवन टू हिमालय 2 घंटा लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 घंटे का है, और हिमालय टू दरौली 1.5 घंटा लिखा हुआ है। लेट्स सी हम 2 घंटे में कवर कर पाते हैं। 12:07 हो रहे हैं और अब हम चलेंगे और मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड हिमालय पहुँच के करूँगा। बाय। जैसे जैसे हम दोवन से आगे बढ़ रहे थे, क्लाउड इतने बढ़ते जा रहे थे कि विजिबिलिटी तो बिल्कुल जीरो होती जा रही थी। वार्निंग, कॉशन, एवलांचे एंड लैंडस्लाइड एरिया फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स। डुराली, नेक्स्ट स्टॉप इज डुराली। हम हिमालय पहुंच चुके हैं, 1.5 घंटे का रास्ता है और बादलों के बीचों बीच, बादलों के बिल्कुल बीचों बीच। Isn't it amazing? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कठिनाइयां और बढ़ती जा रही हैं गाइस, सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा, एक ऑक्सीजन थिन हो रही है, आई मीन बहुत ज़्यादा कमी हो रही है ऑक्सीजन की। ऑल तो आपको हरियाली दिख रही होगी मगर जब आप यहाँ पर होगे तो महसूस हो जाएगा। अब हम हैं यहाँ पर हिमालय एट 2900 meters पे, और यहाँ पर 3 रॉयल फैमिली लाइक गेस्ट हाउसेज हैं। बट हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं क्योंकि आज हम, अब एक्चुअली हमारा आज ना चलते चलते प्लान हो गया कि हम ABC पहुंच जाएंगे, कोशिश करेंगे ABC ही पहुंच जाएं। सो आई विल सी यू गाइस, तब तक ले आप, दिस इज द हिमालय। निकल गए आगे,
हेलो दाई, हेलो, थैंक यू थैंक यू। अरे यार यहाँ तो कॉफी अच्छी लग रही है मुझे। हाँ My friend suggested me this place for pizzas. Oh yeah. Really? Yeah. Wow. And the coffee smells. I can already smell coffee. I don't have time to stay here though. I saw what I have. On our way back. Maybe on our way back we will stop by for a coffee. This is one good coffee I can smell here. Let's go. All right. Next stop. Hello guys. Our next stop is दुराली है। चलो नेक्स्ट प्लेस दुराली, नंबर ऑफ लॉजेस आर 5। हाय गाइस, इट्स 3:11 और मैं पहुंच चुका हूं, मगर इसका कोई नामो निशान ही नहीं है यार। ये कहां पर है ये बंदा? पर मैं रुकने नहीं वाला। ये केएफसी है, देखो, लुक एट दिस गाइस, इट्स अ केव काइंड ऑफ अ थिंग। वो वाटरफॉल है वहां से आ रहा है, गिर रहा है वो, देखो अगर आप लोगों को दिख रहा है वाटरफॉल गिर रहा है वो सामने। हमारा स्टॉप है नेक्स्ट प्रॉबेबली, या दैट्स द नेक्स्ट स्टॉप। ये रास्ता निकल रहा है वहां तक जाना है, फिर उसके बाद अगला है हमारे माचियो पचारू सॉर्ट ऑफ थिंग। और नजारे देखो, यहाँ पे काफी रेस्ट हो गया है। बादल देखो, पहाड़ और बादल टकरा रहे हैं। थैंक गॉड अभी बारिश नहीं हो रही है। हालत खस्ता है, ब्रेकफास्ट करके निकला था और अभी बहुत दूर जाना है। गाइस, अगर आप लोगों को ये जर्नी अच्छी लग रही है, प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। इट टेक्स अ लॉट टू कैप्चर दीज मोमेंट्स एंड ब्रिंग इट टू यू एट योर कम्फर्ट इन योर होम। बस थोड़ा सा प्यार मांग रहा, और कुछ नहीं। ठीक है, जय श्री राम। मुझको ये भाव पार करना है और जगह देखो है ही नहीं। गाइस, मुझे इस रास्ते जाने मगर यहाँ पे पैर रखने की जगह ही नहीं है यार, कैसे जाऊं? हाय गाइस, वेलकम बैक। इट्स 3:45 एंड आई हैव रीच्ड दुराली 3200 मीटर्स। जबकि हालांकि रास्ते में मैं आधा घंटा 35-40 मिनट्स रुका था, ड्रोन उड़ाया। यहाँ पे एक वाटरफॉल है जो कि आपको मैं दिखाया, उसको पार करने में कम से कम लगभग 20 मिनट गए। और सिड का कोई आता पता नहीं है यार, ये बंदा मेरे साथ तेज नहीं रख पा रहा है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, दो चीज़ें हैं यार, मैं ऑनेस्टली बताऊँगा। अगर तो जब मैं सोलो आता हूँ तो मुझे किसी की फिक्र नहीं होती, बट आई एम काइंड ऑफ अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ अ पर्सन। तो अगर मेरे साथ कोई है ना, मुझे उसकी फिक्र लगी रहती है, वो मेरे साथ पेस अप नहीं रख पा रहा ना। अभी यहाँ से कुछ लोग गए थे, मैंने उनको बोला कि उसको बोला थोड़ा पेस अप करे, और मैं यहाँ पर दुराली में रुकने नहीं वाला हूँ क्योंकि मुझे आगे जाना है। और
I'm all good, I'm all fit. Strength is uptight. I will sit here for 15 minutes and then I will start for Macha Puchare. Macha Puchare base camp 2 hours from here. 2 ghante yahan se. Pata nahi aapko dikh raha hai ki nahi dikh raha. Chalo yahan 15 minute rukenge. Kya time ho raha hai? It's 3:46. 4 baje yahan se nikal jayenge dot. Chalo 15 minute vishram karenge. Ye hai Dorali. Dekho. हेलो भाई जी. हेलो. हाँ आज यार, आज एबीसी जाने का सोच रहा हूँ. एबीसी लगा दूंगा पूरा, हो जाएगा ना? 7 बजे तक तो पहुँच जाएंगे. हाँ कल भी 7 बजे तक करा था. अकेला है? मेरा दोस्त है यार, बहुत ढीला चल रहा है. वो भी आज जाएगा ना? हाँ आज जाएगा, मगर वो बहुत पीछे है यार मुझसे. यार कितना आदमी है? 2 जने हैं हम. काली टी शर्ट में आएगा एक, उसको भेज देना आगे. मैं 15 मिनट यहाँ पे आराम करूंगा फिर निकल जाऊंगा यहाँ से आगे. भाई पानी होगा, थोड़ा पानी पिला दो यार, चार्ज तो नहीं लोगे ना? पानी पिला दो. यहाँ पानी के भी चार्जेस है भाई. सी हम चामरोंग में रुके थे, फिर हमने चलना स्टार्ट करा सिवा करा क्रॉस, बैम्बू करा क्रॉस, दोवन में रात गुजारी. अभी दोवन से, आज सुबह दोवन से स्टार्ट करा, हिमालय क्रॉस करा. Now I am right here, Dorali. अब मैं पूरा एबीसी तक जाने का सोच रहा हूँ. थैंक यू भाई जी, धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आपका. थैंक यू सो मच. भाई जी ने पानी दिया है यार, बहुत प्यास लग रही है. वेरी थर्स्टी. बैठ के पीऊँगा, बैठ के पीऊँगा. चीयर्स. पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए तसल्ली से. बादल ही बादल, बादल ही बादल. हिंदी और इंग्लिश में मिक्स बनाता हूं मैं. गुड मॉर्निंग गाइस, पीपल आर एंजॉयिंग माय चैनल. नई सुबह हो चुकी है कसार में और मैं रुका हूँ कसार. सो गाइस 4 बज चुके हैं, अपना निकलने का टाइम हो चुका है. दाई को दुआ सलाम. धन्यवाद दाई जी, देखना आप अच्छे से चैनल और एंजॉय करना. थैंक यू सो मच. अब अपना अगला स्टॉप माची पिचू मेरे लिए तो. Hello baby. Hi. Good. देखो कौन मिलने आया है ना. चुक्कू चुक्कू. Guys, zero visibility. एलिवेशन और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. गला मेरा सूख रहा है,
प्यास मुझे और लग रही है, सांस मुझे खींच के लेनी पड़ रही है और नाक में से मेरी पानी निकल रहा है। इट्स ऑल साइन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। और अभी तो MCV के बाद AC भी जाना है। इतना हाइक कर करके हम इतना थक चुके थे कि हम तो यहाँ पे लमलेट ही हो गए कम से कम 15 मिनट के लिए। पर फिर क्या, फिर शक्ति झिंझोड़ी और अपने आप खुद को खड़ा करा और आगे बढ़ने लग गया। गाइस, माचा पुछेरे बेस कैंप 37 मीटर वी हैव रीच। और भाई भी आ ही गया है फाइनली। ए सिडे आ गया। क्या टाइम हो रहा है? इट्स 6:51। 7 बज रहे हैं इस वक्त। अब हमें ABC में होना था यार। 7 बज रहे हैं यानी कि अगर हम यहाँ से अभी चले ना, 2 घंटे इन्होंने लिखा है हमें और टाइम लगेगा अगर हम धीरे धीरे चलेंगे। चढ़ाई नहीं है तो चलो फिर गाइस। नेक्स्ट एलिवेशन कितना है यार? हैं क्या? अभी हमने 500 करा है, अब बस 400 रह गया है। तो माजी पूछना क्या करें यार, शाम के 7 बज रहे हैं और एक घंटा भी नहीं आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा और रास्ता 2-2.5 घंटे का है। सिड, व्हाट्स योर कॉल? हमको जाना चाहिए कल 7:30 तक अंधेरा नहीं होगा। लेट्स गो। हम जा रहे हैं और हम नहीं रुक रहे माची पिक्चर रुके यार। बहुत हालत बहुत खस्ता है ऑनेस्टली बताऊं तो। ये जो अभी लेटने वाली पत्थर पे हम लोट पोट हो गए थे, लेट गए थे, वो बस ये 5 मिनट पहले की वीडियो है। बाय द वे आपको बताना मैं चाहता हूँ, पता नहीं ये हिम्मत कहाँ से आ रही है, मगर जो बजट ट्रेवलर थे उनको मैं उस तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम आज रात यहाँ रुकते हैं तो हमारे 3,000-4,000 रुपये यहाँ लगेंगे नेपाली। ओके, और फिर हम जितने ऊपर जाते रहेंगे उतना महंगा होता रहेगा। तो अगर हम यहाँ नहीं रुकते, यहाँ पे बहुत सारे वो हैं एक्चुअली एडवांटेजेस अगर हम नहीं रुकेंगे। एक तो मनी सेव होगा, सेकंड अन्नपूर्णा बेस कैंप में हम सुबह 5 बजे उठ के अन्नपूर्णा के दर्शन कर पाएंगे। अगर यहाँ रुक गए तो फिर यहाँ रुकेंगे और अगली सुबह फिर निकलना पड़ेगा, फिर कल हमें फिर रुकना पड़ेगा जहाँ हमारे 5-7 हज़ार रुपये फिर लगेंगे यानी। और फिर हम अगले दिन, मतलब हमारा पूरा एक दिन वेस्ट होगा और पैसे वेस्ट होंगे। नॉट अ गुड। चलो अभी हमें भाग दो। बाय। सिड को उल्टी हो गई है भाई, एक मिनट रुकना भाई, वेट। सिड को उल्टी हो चुकी है अभी। और भाई मुझे एक बात बताओ, अभी हम ABC के लिए निकले हैं, पहुंच जाएंगे ABC के लिए? जा रहे हैं अभी? हाँ अभी तो 1 घंटा आज ही लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से? हाँ, बहुत दूर है ना अभी। दूर है? हाँ, उसके लिए इधर ही रह लो ना। हाँ इधर ही रह लो। कहाँ? इधर होटल में। किधर है होटल? ये ऊपर है होटल। आगे है कोई होटल? होटल आगे है, यहाँ नजीक है। कौन सा होटल है? माची टॉप पिस्टल होटल। में फिर पीछे क्या था जो पीछे छोड़े? ये? हाँ ये नहीं होटल है। कितनी दूर है होटल अगला? अभी यहाँ पे 5 मिनट लग गया। हाँ 5 मिनट लग गया ये आगे के, यहाँ पे ये 5 मिनट। हाँ उसे पहना जाओ। हाँ पहना जाके पहना पूछ गए तो कुछ समझ आ रहे क्या कह रहे? क्या बोल रहे भाई? पहना गए पूछा आ जाए।
आज यहाँ है नजीक पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। वही तो बात है, आप तो नहीं सकते, उल्टी हो रहे। उल्टी दही इसलिए हो रहा, मैंने कुछ खा लिया मेरे को ना, तारू के लिए ना ना खाया कुछ, जलन हो रहा है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ नचिके रह लो। अभी तो पहना बोरे ठीक हो जाएगा, पहना पहने हो जाएगा ना। क्या कर रहे सर? यूएस निकल तो गया है वो। यू फीलिंग बैड? वो बता रहे हैं ऐसे 2 घंटे का रास्ता है एबीसी का। हाँ वही तो बात है, रात हो जाएगा थी, रात हो जाएगा, हिंदे हिंदे उकालो है ना। अभी रास्ता अगर अंधेरा हो जाए तो सेफ है चलने का? ये तो भाई ऐसे ही आप लोग रात को पहुँच गया थे, पहुँच जाएगा। अभी कितना अच्छे, अभी सात, अभी सात सात पंद्रह हो रहे, 7:15 में आधे पड़ जाए हैं, रात पड़ जाएगा, रात हो जाएगी, 9 बज जाएंगे ना, 9 10 तो बज जाएगी, 10 भी बज सकता है, 10 भी बज सकता है, 11 भी बज सकता है। उसके लिए आप लोग तो चलिए जाने, तो चलिए पहुँच सकते 10 बजे 8 बजे। अभी इधर तो अभी किधर से आया? अभी हम आया दाई दरौली नहीं, कहाँ से, किधर से? बम्बू? नहीं नहीं तोमन, बम्बू के बाद बाद कौन सा है? तोमन, तोमन नहीं, देवम, दोवन, दोवन, दोमन है, दोवन ऊपर, दोवन, दोवन से आ रहे हैं, दोवन से छिमरुंग से, छिमरुंग से त्योराली, छुमरुम रुके, छुमरुंग से दोवरम रुके, अगर हमें जाना तो वी आर वेस्टिंग आर टाइम। अभी नहीं जाएं? अभी तो मुश्किल है, मुश्किल अभी पूछने में मुश्किल है, उसके लिए मैंने बोल रहा है आप लोग। अगर ऊपर जाएंगे तो रास्ता इतना चौड़ा है या? रास्ता तो है, वो कर लो 400 ऊँचा नीचे ऐसे ऐसे है रास्ता, नीचे ऐसे है ना, जितना ऐसे 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 ऐसे। अभी जाना सही नहीं, मुश्किल है, अभी जाना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, ना जाए रात हो जाएगा फिर जाने में, वहाँ पे बंद हो जाता है ना, वो बंद नहीं हो जाता है, अंदरूनी हो जाता है। तो कहाँ है होटल अगला? होटल जहाँ बोल रहे थे ये इधर जाके यहाँ पे उकालो जा के नीचे है ना, ये टर्निंग में होटल है, होटल है। हाँ अभी मैं खाना खाइए, मैं अभी खाना खाइए यहाँ ही सोना चाहता हूँ। वहाँ मिलता है खाना? खाना ही मिलता है, होटल बहुत है। ठीक है ठीक है ठीक है, मिल जाएगा आप लोग, चलो ठीक है दाई, धन्यवाद। होटल मिल जाएगा ना यहाँ पे नजीक है। हाय गाइस, तो मैं आप लोगों को अपडेट कुछ ऐसे ही देने वाला हूँ यार, हम लोगों की हालत ठीक नहीं है। एक लहसुन का सूप बोला है भाई जी ने, बोला लहसुन का सूप पियो आप दोनों, मैं भी और ये भी, वो तो बिल्कुल ही गॉन केस हो गया, वो 2 बारी उल्टियाँ कर चुका है। यस, ठीक नहीं है उसकी कंडीशन, 2 बारी वो उल्टी कर चुका है, अभी लेटा है आकर के, मैं भी लेटा हूँ, थोड़ा आराम कर रहा हूँ, और एनर्जी। कितने किलोमीटर चले होंगे हम से राज? हमारा 10-12 है, आज हमने पर हाइट गेन करी ना, हमने हाइट, हाँ कितनी गेन करी हमने? 2000 मीटर से, अभी हम 3700 मीटर पे, 1200 मीटर की हाइट पे। ओ माई गॉड गाइज, लिसन टू दिस, थोड़ा कैलकुलेशन अपने आप खुद लगाना आप। हम लोगों ने हाइट एल्टीट्यूड गेन करा है, कहाँ से कहाँ था? 2500 से 3700। ओ माई गॉड, इसके तो ये हो रहा था हमको, 1200 मीटर हमने एलिवेट करा है, एल्टीट्यूड गेन करा है, और सिर्फ ऐसे नहीं, कोई लिफ्ट नहीं है जो ऐसे चले गए, उसके साथ साथ हमने 13 से 14 किलोमीटर चला है, तो इट्स लाइक 13-14 किलोमीटर हम चले हैं, और 1200 एल्टीट्यूड हमने गेन करा है। सोचो हम कैसे चढ़े होंगे, सोचो हम क्या, वाव। तो कल करना है मात्र हमको 400 मीटर। यस दैट्स अ गुड न्यूज, लेकिन वो भी 2 घंटे, वो भी 2 घंटे लगाता है।
हम मत बोल, हम नहीं मतलब सिर्फ हम तो मत बोल, इतनी तो इज्जत दे। हम कहाँ बोला, मैंने कहा वो कौन रास्ता और मैं, आपकी तो बात ही नहीं कर रहे अभी। ये साहिल भाई मैं क्या बताऊंगा, ये बोलेगा आपको कि आज इसके और मेरे बीच में कैसा। कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ये बहुत तेज चलते हैं। अब इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे को नहीं पता कैसे चलते हैं ये चलते हैं। अब कछुआ खरगोश की वो होगी अगर, तो वो मेरे को कह रहे बीच बीच में सिट जल्दी आ लेट हो रहा। अब कछुआ तो उसी स्पीड पर चलेगा ना चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो खरगोश है तो आई कांट कम्पीट विद अ खरगोश ना। आज गाइस वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों से बात करी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ये पीछे छूट गया, और मेरे को ये चीज थोड़ी इरिटेट कर रही है क्योंकि मैं आगे भी नहीं पूरे खुले माइंड से बढ़ पा रहा क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल समझता हूं। अगर कुछ गॉड फॉरबिडन कुछ हो गया तो इसके घर वाले मुझसे ही पूछेंगे ऑब्वियसली, बट मैं नहीं चल पाता ना, तो मैंने लिटरली यही करा था। मैंने नैप लिया अच्छा खासा 20-25 मिनट का, जब ये आ गया तो वहां पे वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया तो वहां पर कैचअप करा मैंने इसके साथ। फिर वहां से मैंने डिसाइड कर लिया भले मुझे धीरे चलना पड़े मैं इसके साथ साथ चलूंगा, तो फिर धीरे धीरे हमने चलना स्टार्ट करा। बीच रास्ते में आई विल बी ऑनेस्ट मेरी भी थोड़ी एनर्जी, पता नहीं क्यों मेरे शोल्डर्स थोड़े से ऐसे गिर से रहे थे, तो मुझे लगा शायद आई नीड सम इंस्टेंट। तो फिर मैंने सिड ना, ये अच्छा करा सिड ने भाई, बहुत अच्छा करा, किसने एक बिस्किट का पैकेट रखा छोटा सा, टेस्टलेस बट जान जो बचा दे वो तो टेस्टलेस नहीं, टेस्ट इसलिए नहीं आ रहा एल्टीट्यूड, हाँ एल्टीट्यूड की वजह से टेस्ट नहीं आ रहा वो सही बात है, इज राइट। तभी मैंने थोड़े नीचे खा लिया, तो इससे मैंने बिस्किट लिए, मैंने वो बिस्किट खाया यार, तो मेरे को थोड़ी ताकत मिली। फिर मैंने इसको भी उठा और इसको उल्टी हो गई यार, मेरे को थोड़ा सा और वो हो गया कि नहीं, और हम अभी जा रहे थे एबीसी के लिए, सोचा अभी हम जंगल में होते इस वक्त हम जंगल के अंदर होते, टॉर्च चला के उसकी भी बैटरियां खत्म हो रही है, टॉर्च से भी क्या फर्क पड़ता है जब विजिबिलिटी को, जब विजिबिलिटी नहीं थी सर इनको, वो तो बताओ बादल पूरे यहां पे काट। अरे सच, हाँ टॉर्च क्या घंटा काम करती है क्योंकि हर जगह तो बादल ही, विजिबिलिटी नहीं है, टॉर्च यहाँ से जगाओगे तो आपको अगला कदम भी नहीं दिखेगा, मतलब ऐसा हो रहा था। लास्ट थिंग गाइस, ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि एनर्जी को मेरे को प्रिजर्व करना है। अभी गार्लिक सूप आ रहा है, भाई को पिलाऊंगा, उसकी तबीयत मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है, कल एबीसी जाके फिर हमको नीचे भी उतरना है, नीचे आराम आराम से उतरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीन नहीं है, आराम से जाएंगे। चलो अभी के लिए गुड नाइट यार, दिस वॉज डे थ्री, हाँ दिस इज डे थ्री ऑफ एबीसी एंड लॉग इन ऑफ टू नाइट फ्रॉम माचू पुचारे हैं, माचू पुचारे इसका मतलब है मछली की पूंछ, बेसिकली नेपाली में माचू पुचारे बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नाम दिया फिश टेल। सो साइनिंग ऑफ, आप लोग भी जाओ, नहीं आप लोग मत जाओ यार, आगे का मैं दिखाऊंगा व्लॉग में, तो बैठे रहो देखो, सिटी भरे बोलते लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज। हाँ यार प्लीज कर देना प्लीज, तभी मैं आपको अगली बार फीचर दिखूंगा वापस से किसी दूसरी जगह को, एक लाइक एक शेयर भी कर देना जिसमें मैं हूँ उस वाले को तो पक्का शेयर करना है, ठीक है yes. और उसके पेजेस पे सब्सक्राइब भी, ठीक है yes. तू तो फेरी फॉरेस्ट में भी, तू तो पुलगा में, मैं ओ इनको इनको पता ही नहीं होगा सिद्धांत कौन है, पुलगा में आपने देखा होगा मेरे गेस्ट अपीयर, भाई आ जाओ आ जाओ, वो भाई साहब आ गया है, ये सूप आया है, ये जान, ये ले लो, अच्छा हाँ ये ले लो, ये जान बचाएगा मेरे भाई की, थैंक यू सो मच, धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद सो फेर, थैंक यू भाई, ये लहसुन का सूप आ गया और पूरे कमरे में लहसुन ही लहसुन की खुशबू हो गई है, मजेदार है। सीढ़ी एक्चुअली पता है ये औषधि होती है, लहसुन से बढ़िया कोई चीज नहीं होती, औषधि की। चलो हम यार हम खाने लगे हैं, पी मेरे भाई पी, बेटर लग रहा था ना, अच्छा चलो गाइस ये पी के हम सो रहे हैं, बाय गाइस। सिड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वो उल्टी की उल्टियां कर रहा है यार,
बहुत उल्टियाँ कर रहा है वो, क्या करें। गाइस सिड आधी रात के बीच में उठ करके उल्टी करके आ रहा है और मुझे बस ये दिखाना था, और मेरी भी मुझे भी नींद नहीं आई, आई मीन आई बट नहीं आई ऐसा सारा। तो पता नहीं रात के कितने बजे है, अब मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, मैं बेचारे को ऐसे ही बोल रहा था कि जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, मैं समझ नहीं पा रहा था बेचारे इसकी दुविधा। सॉरी भाई, बट आई एम ग्लैड ही सेफ बेड के ऊपर, रजाई के अंदर, और इसके अंदर लहसुन का सूप। चलो ओके, गुड नाइट। इस बार लेटने के बाद सिड की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और उसने दोबारा उठ के फिर बीच में आधी रात को उल्टियां करी। अब सिड कल एबीसी जा पाएगा या नहीं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप यू रियली रियली एंजॉयड दिस एपिसोड एंड आई विश यू लव पीस एंड हिप हिप हुरे टू माचा पूछ रे। सी यू अगेन। Oh,